हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसी भी यूट्यूबर यूज़र की प्रोफाइल फ़ोटो यानी कि यूट्यूब पर किसी भी आईडी की डीपी किस तरीके से अपने मोबाइल में या लैपटॉप या कंप्यूटर में डाउनलोड की जाती है। आप लोगों को एक बात और बता दूँ कि ये वीडियो पीसी और मोबाइल दोनों यूज़र्स के लिए है। ये काम आप मोबाइल से भी कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको अपने क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है और यहाँ पर हम सर्च करेंगे www.youtube.com और इसको हम सर्च कर देंगे। और यहाँ पे हम थ्री डॉट्स पर जाएंगे और थ्री डॉट्स पर जाने के बाद में ऊपर डेस्कटॉप साइड मोड के सामने जो बॉक्स दिख रहा है इसको हम टिक मार्क करेंगे। और टिक मार्क करने के बाद में हमें करना क्या है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम हमारे सर्च बार में जाएंगे। ये जो सर्च बार दिख रहा है आपको नीचे यूट्यूब में सेकंड वाला, इस पर जाएंगे और इसमें हम उस चैनल या आईडी को सर्च कर लेंगे जिसकी हमें डीपी निकालनी है। तो मैं यहाँ से सीधा इस चैनल पर चले जाता हूँ। यहाँ पर जो भी मिलेगा मैं उसकी डीपी कॉपी करके भैया डाउनलोड करके बता। तो यहाँ से हमें करना क्या है कि जैसे कि यह हाला नाम की एक लड़की है, इसकी डीपी मुझे निकालनी है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या है कि इसकी डीपी पर थोड़ा प्रेस करेंगे, प्रेस करके रखेंगे और कुछ इस तरीके के ऑप्शंस को लेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हो मेरा फर्स्ट ऑप्शन है ओपन इमेज इन न्यू टैब। तो इस इमेज को हम न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और जैसा कि आप देख सकते हो मेरी न्यू टैब में ये इमेज खुल चुकी है। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देख सकते हो कुछ इस तरीके का दिखेगा। जैसे लास्ट वाली टैब दिख रही है ना आपको PCZ & ZNX करके कुछ, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और देख सकते हो हमें कुछ इस तरीके की पिक्स दिखाई देगी। तो इसको हम फुल आउट करने के लिए करेंगे क्या कि अपने जो सर्च बार है ना इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देख सकते हो नीचे हमें इस पेंसिल वाले पर क्लिक करना है और उसके बाद में कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो ऊपर गूगल सर्च बार में आपको दिख रहा है यहाँ पे S64 दिखाई दे रहा है आपको। हम सर्च बार को यहाँ पर लाएंगे इसके जस्ट बाद में। और यहाँ पर लाने के बाद में हम यहाँ से S64 को डिलीट मार देंगे। यहाँ पे कभी कभी S34 भी आता है तो उस चीज़ को ध्यान रखना। आपको यहाँ पे S के बाद में जो भी डिजिट दिया होता है उनको हम डिलीट कर देंगे। तो और यहाँ पे हमेशा दो ही डिजिट आएंगे S के साथ में और इन तीनों को हम डिलीट मार देंगे, S और 64 को। तो चलिए मैं यहाँ से डिलीट मार देता हूँ और अब हम इसे सर्च कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी फुल डीपी को ओपन हो चुकी है। और इसको डाउनलोड करने के लिए हमें करना क्या है कि इस डीपी पर प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा फोर्थ नंबर का ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड इमेज। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी चैनल प्रोफाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे डाउनलोड हुई है। तो हम सीधा आ जाएंगे हमारी गैलरी में, फ़ोन की गैलरी या लैपटॉप जो जिससे भी आप निकाल रहे हो उसकी गैलरी में आ जाएंगे। तो यहाँ से आने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो मेरे लास्ट में डाउनलोड का ऑप्शन है, इसके अंदर आप देख सकते हो हमारी डीपी ओपन हो चुकी है। तो चलिए मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ। तो देख लो आप मेरी ये डीपी जो कि हमने डाउनलोड की है। ऐसे ही आप किसी भी यूज़र्स की या किसी भी चैनल्स की आप डीपी निकाल सकते हो। थैंक यू दोस्तों वीडियो के देखने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर गाइज़।